डेली पंजाब टीवी ते तुहाडा सब दा स्वागत है। दोस्तों, पंजाबी इंडस्ट्री दे नाल जुड़ियां दो वड्डियां अपडेट्स लैके असीं हाजिर होए हां। गल करांगे एली मांगर दी एल्बम बारे, जो कि रिलीज़ होण तों कुछ समां बाद ही डिलीट हो गई सी। किसने डिलीट करवाई है वह भी दसांगे। गल करांगे करण औजले दी एल्बम बारे की है खास, तुहानूं वह भी दसांगे। जुड़े रहो वीडियो दे अखीर तक। तो जिवें कि आपां सारे जाणदे हां कि एली मांगर दी एल्बम उस्ताद जी रिलीज़ हो गई सी, ते थोड़े समय बाद ही यूट्यूब तों डिलीट भी हो गई सी ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। तो हुण इस एल्बम दे नाल इक वड्डा विवाद जुड़दा दिखाई दे रहा है। तुहानूं दस दईए कि एल्बम निंदर मलकपुर ने डिलीट करवा दिती है। उसका कहना है कि चार नंबर गीत बंदा बंदा मर जावे नाच उसके लिखे लिरिक्स बिना पुछे वरते गए, तो उसनूं क्रैडिट भी नहीं दिता गया, जिस कारण उसने ये एल्बम डिलीट करवा दिती है। हुण वधदे हां अगली अपडेट वल। गल करिए करण औजले दी, तां एल्बम दा स्केड्यूल कल आ जाना, जिस दे विच ये पता चल जाएगा कि किहड़े किहड़े गीत ने। पर तुहानूं दस दईए कि करण औजले दी टीम दे मैंबर अमर तम्मी ने एल्बम पूरी दी पूरी सुन ली है, तो स्टोरी पा के इस एल्बम दे बारे खुलासा कर दिता आ। उसने स्टोरी पा के लिखिया, जो मैं अज सुनिया लफ्ज़ है नहीं सौ लगे, क्या लिखत क्या कंपोजिशन ते क्या म्यूजिक, सिरा 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 रेडी रहो बस। ते नाल ही उसने करण औजला ट्रू स्कूल अते संदीप रेहान होरां नूं भी टैग कर दिता है। तो यह कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन एल्बम ऑन द वे है। तो किस किस नूं इंतजार है करण औजले दी इस एल्बम का, इस वीडियो थले कमेंट करके जरूर दस्सो। तो इस वीडियो में शेयर करना, चैनल में सबसक्राइब करना ना भुल्यो।